Welcome to Management Nazaria. As you all know, we have started with a new series called 3 Minutes Concept. And today's discussion is Marketing Management. So, आज का concept हमारा क्या है? Marketing Management. जब आप ये word सुनते हो, Marketing Management, दिमाग में क्या आता होगा? Something related to promotion, something related to creating awareness. अच्छा, जब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या कुछ भी मार्केटिंग से रिलेटेड देखते हो या अनुभव करते हो, भले ही वो एक एड के थ्रू हो या एक पैम्पलेट के थ्रू हो, तो आपको उससे क्या पता चलता है? वो एक जागरूकता फैलाते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट में है, इसका प्राइस इतना है, इसके ये प्रॉपर्टीज हैं, इन लोगों के लिए टारगेटेड है, आप प्लीज इसे ले लो, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है. बट मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, बस अवेयरनेस तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत इन डीप है. व्हेन एवर मार्केटिंग मैनेजमेंट इज इन टू पिक्चर, यू हैव थिंग्स लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, यू हैव ब्रांडिंग, यू हैव प्रोडक्ट्स, यू हैव योर टारगेटेड कस्टमर्स फॉर विच यू वॉन्ट टू टारगेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अब चॉकलेट्स है तो आप उसे बुड्ढों को तो टारगेट नहीं करोगे, किड्स विल बी योर टारगेट कस्टमर्स, राइट? तो कौन से लोग आपके टारगेट कस्टमर्स हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन टू फोकस. अब मार्केटिंग जो है, या वो जो सब्जी वाला जो आपके गलियों में बैठता है और चिल्लाता रहता है, भिंडी 12 रुपए, पाका पाव किलो, और पता नहीं कैसे कैसे, तो वो जो चिल्ला रहा होता है वो भी मार्केटिंग होता है. और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, बड़े पैमाने पे जब इसे जमीनी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब भी वो मार्केटिंग कहलाता है. लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मार्केटिंग की नींव या उसका जन्म होता है रिसर्च से, R&D से, जहाँ पे कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग इज बीन स्टडीड, व्हाट इज देयर बैक हैंड आइडिया. बैक हैंड आइडिया मतलब उनके दिमाग के पीछे क्या चलता है, उन्हें भी एहसास नहीं होता है बट वो चल रहा होता है. जैसे एक बहुत ही फेमस चीज है, मतलब एक नॉर्मल सी चीज है, औरतों को गोरा होना पसंद है, तो फेयर एंड लवली का प्रचार कर दिया, उसे प्रमोट कर दिया, औरतों ने ले लिया. तो एक बैकहेंड आइडिया से शुरू होता है, उस आइडिया को रिसर्च किया जाता है, डेवलप किया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, डिजाइन की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, एंड उसका मार्केटिंग प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज तैयार किया जाता है और उसे लोगों के सामने प्रमोट किया जाता है सैम्पलिंग के थ्रू. बहुत सारे तरीके होते हैं. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट और भी अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही इन डीप और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बट एज कंसेप्ट इट्स जस्ट प्रमोशन, ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू द टारगेटेड कस्टमर्स. इतना आपके दिमाग में आना चाहिए व्हेन एवर यू हियर द वर्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज दैट इज बीइंग यूज्ड. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट, क्वेरी कुछ भी है, प्लीज कॉमेंट बिलो द कॉमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.